अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर त्यार सब खैर? मैं हूँ खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के इस ब्लॉग। तो अभी हूँ मैं इस्तांबुल तुर्की में और खड़ा हूँ बिल्कुल गलाता टावर के साथ। ये गलाता टावर आप देख रहे हैं, गलाता टावर तकरीबन 750 साल पुराना है और इसकी सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा जो बॉस्फोरस समंदर है तो वो सारा आप देख सकते हैं इस टावर के ऊपर चढ़ के। और ये पहली इमारत थी पूरे इस्तांबुल की जो सबसे बड़ी और ऊंची इमारत थी। इससे जो जहाज़ थे पानी के उनको देखा जाता था ताकि सल्तनत को कोई नुकसान ना दे सके। ये सारी रश लगी हुई है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये सारे लोग खड़े हैं अपना गलाता टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं तीसरी मरतबा आया हूँ गलाता टावर, तो मेरा टूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं बहरहाल तुर्की के बारे में। अब कहते हैं असगर भाई से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि मुल्क तो ये बहुत अच्छा है लेकिन अब हम अपने मुल्क की भी गला कैसे करें। तो बात तो ये भी सही है, जैसा है अपना है टेढ़ा है पर मेरा है। ये गलाता टावर के पास फानूस बना हुआ है पानी का, लोग यहाँ से पानी पीते हैं। ये पुलिस की मोटरसाइकिल खड़ी है, ये कैफेज बने हुए और ये लोग अपनी रो में खड़े हैं गलाता टावर के ऊपर जाने के लिए। ये रो है टिकट खरीदने के लिए, ये लोग टिकट खरीद रहे हैं। असगर भाई भी खड़े हैं और ये रहा गलाता टावर, इतना बड़ा और इतना लंबा 7 मंजिला ये टावर है। इस पॉइंट के बारे में असगर भाई से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सर क्या राय है? बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है ये, मकसद के इस वजह से बनाई गई ताकि कोई हमला हो उस मुल्क के ऊपर। सही। तो ये समंदर की रास्ते। सही तो सही। इनके ऊपर जो फौज बैठी हुई होती है सही, तो वो सही। उनको कैच करके फिर वो अपना उस हमले को नाकाम बना दे। सही सही तो सही। ये एक तरह ये कहा जाए कि मिलिट्री पॉइंट है, चौकी पॉइंट है समंदर के रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो ये बिल्डिंग तो नहीं होगी, तब तो ये की टावर ही होगा। एक टावर ही होगा बड़ा, यही इस पूरी सल्तनत की हिफाजत यही टावर करता था, गलाता टावर। तो ये थी इस गलाता टावर की हिस्ट्री, इस वजह से ये बनाया गया था यहाँ पे। ये देखें कितनी बड़ी लाइन है, यहाँ से लेके लोग जो है वो खड़े हैं। ये इतने लोग खड़े हैं, सबको गलाता टावर के ऊपर जाना है। ऊपर 3D एनिमेशन फिल्म भी चलाते हैं ताकि लोग देख सकें कि ये टावर कैसे बना और ये किस तरह पूरी सल्तनत की हिफाजत करता था। ये इनकी स्ट्रीट है छोटी छोटी, ये लोग खड़े हैं और ये रहा गलाता टावर। ये बॉस्फोरस से हमने इसका व्यू लेने की कोशिश की है, अभी हम खड़े हैं बॉस्फोरस और ये रहा आपके सामने गलाता टावर। गलाता टावर से पूरे बॉस्फोरस का बेहतरीन व्यू लिया जा सकता है। ये रहा गलाता टावर। तो चले अपनी जो है वो नई बुराई नहीं करते और दूसरों की भलाई करते हैं। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला, तुर्की का टूर सारा आपको देंगे। तो रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।